Rahman Rahim, my name is Dr. Abdul Wahab. Today, the topic of our class is medical ethics. This class is for third semester R Technologies diploma students. आज हम पढ़ेंगे medical ethics. के medical ethics क्या है, हम किस तरह अपने community में medical ethics से apply करते हैं. ठीक है, ये two words से derived है, एक है medical और एक है ethics. medical कहते हैं tip को, टिप का जितना भी शोभा है रिलेटेड टू, मतलब जितनी मेडिसिन है, जितनी मतलब हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है, जितनी जो हम प्रोवाइड करते हैं जो फैसिलिटी, ठीक है, क्लिनिक्स में, पॉली क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल में. और एथिक्स कहते हैं इखलाकियात को, कि हम मतलब मरीजों के साथ, उसके साथ जो अटेंडेंट है वे उनके साथ किस तरह रवैये के साथ पेश आते हैं, हमारा बर्ताव टूवर्ड द पेशेंट, टूवर्ड देयर अटेंडेंट्स, उसके साथ किस तरह है, इसको हम कहते हैं मेडिकल एथिक्स. अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारे बर्ताव है या हमारा जो अखलाक है टूवर्ड्स अदर, वो किस तरह है. ठीक है, हमारा जो अपने कोलीग्स हैं, मतलब हमारे फील्ड में जो है, मतलब उसमें सीनियर्स जूनियर्स, ठीक है, कोलीग्स वगैरह, तो उनके साथ हमारा रवैया किस तरह है, बर्ताव किस तरह है. और हमारे जो हॉस्पिटल के अदर स्टाफ है या क्लिनिक के अदर स्टाफ है या पॉली क्लिनिक के अदर स्टाफ है, उनके साथ हमारा रवैया किस तरह है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हाउ वी अप्लाई एथिक्स इन द मेडिकल फील्ड. फिर मेडिकल में जब आप देखें तो इसमें अलग अलग फील्ड्स है, मल्टीपल फील्ड्स है इसमें. ठीक है, तो हर एक बंदे का अपना रोल है, ठीक है, फील्ड में, कि वो अपने फील्ड के जो कुलीग है उनके साथ उनका रवैया किस तरह है, उनका बर्ताव किस तरह है, और दूसरे जो उनके कुलीग है, ठीक है, या अदर्स जो मेंबर्स हैं उनके साथ उसका रवैया किस तरह है, तो इसको हम कहते हैं मेडिकल एथिक्स. कि हम जो हमारे जो अखलाकियात है या हमारा जो बर्ताव है वो हमारे कुलीग के साथ और दूसरे लोगों के साथ किस तरह है, ये हम मेडिकल एथिक्स में पढ़ते हैं. ठीक है, इसके अलावा मोस्टली हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो पेशेंट के साथ हमारा रवैया किस तरह होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड मेडिकल एथिक्स. या हमारी जो फील्ड है जैसे कि डेंटिस्ट्री है या मेडिकल फील्ड है, उसमें मतलब हम पेशेंट को किस तरह रिसीव करते हैं और पेशेंट को किस तरह डिस्चार्ज करते हैं, ये होता है हमारे पास मेडिकल एथिक्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, किस तरह एक पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसका नाम पूछे, उसको कहे कि बजाय इसके कि वो बैठ जाए या उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बजाय जल्दी जल्दी से हम कुछ काम करें, रुखसत करें उसको, फ्री करें, तो दिस इज नॉट अ एथिक्स. ठीक है, फिर इसके अलावा जो हमारे पास इस तरह के पेशेंट आए कि हम उसको अच्छी तरीके से रिसीव करें, अच्छी तरीके से उसको डील करें, कंसंट्रेशन प्रॉपरली करें, उसके बाद उसको मेडिकेशन वगैरह पे समझाएं, फिर अच्छे अंदाज से उसको रुखसत करें. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एथिक्स. तो एथिक्स और नॉन एथिक्स में यह फ़र्क होता है कि एक बंदा है वो उनका रवैया जो है वो हार्श है टूवर्ड द पेशेंट, टूवर्ड देयर अटेंडेंट, टूवर्ड देयर कुलीग, तो वो अपने रवैये को किस तरह मतलब यूज़ करता है, दिस शोज हिज मैनर एंड एथिक्स. ठीक है, तो कोशिश हम करेंगे अपने फील्ड में जो कि प्रोफेशनल फील्ड है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे मतलब तरीके से पेशेंट को डील करें, उनके अटेंडेंट को डील करें, ठीक है, अच्छे से अच्छे मतलब अंदाज में उनको प्रॉपरली गाइड करें, जितना हो सके गुड मैनर के साथ, अच्छे रिसीविंग के साथ, गुड डिस्चार्जिंग के साथ पेशेंट को मतलब वो करें. अच्छा, इसके जो डिटेल है कल हम इसको पॉइंट्स में पढ़ेंगे. यहाँ तक हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन टॉपिक था कि हाउ वी अप्लाई एथिक्स इन आवर फील्ड. थैंक यू फॉर द लेक्चर.